हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, आज सिर्फ एक रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो मैंने डोसा बनाया आज, तो डोसा की रेसिपी आज शेयर करूंगी और आप लोग देखिए रेसिपी कैसा लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और साथ बने रहिए। तो देखते हैं रेसिपी फिर कैसा बनाती हूँ, बने रहिए। तभी डोसा के साथ खाने के लिए मैं मूंगफली पहले फ्राई कर लूँगी, मूंगफली की चटनी बनाऊँगी। तो उसको हल्का फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं, फिर जल जाएंगे। और हल्के हाथों में बस दो तीन बार ऐसे ही मिक्स करके फ्राई करके हल्का सा, फिर मिक्सर जार में ले लेंगे और फिर कुछ मसाले एक ही साथ डाल देंगे मिक्सर जार में ही, जैसे कि मिर्ची, धनिया, जीरा और थोड़ा सा पानी डालेंगे और नमक। और बस इसको मिक्सर ग्राइंडर में अभी पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे से, ताकि बादाम पूरा मूँगफली एकदम पूरा फूल ना रहे, अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको अभी डाल लिया बाटी में, कटोरी में। अभी इसके ऊपर तड़का लगाऊंगी। तो तड़के पैन में मैंने तेल डाल लिया, उसके ऊपर करी पत्ता, सरसों और दो सूखी मिर्ची डाल रही हूँ। अब इस तड़के को मूँगफली की चटनी के ऊपर डाल दूँगी। तो ये बन गई डोसा की चटनी, मूँगफली की चटनी। अभी मसाला बनाऊंगी जो डोसा के अंदर मुझे डालना है। मसाला डोसा बना रही हूँ तो मसाले को पहले तैयार कर लेती हूँ। तो पहले कढ़ाई में तेल डालूंगी, उसके बाद फिर दे दूंगी सरसों, राई दाना जिसको बोलते हैं, फिर करी पत्ता, करी पत्ता थोड़ा फ्राई हो जाए, फिर प्याज डाल दूंगी और उसके ऊपर सारा हल्के हाथों से थोड़ा एक दो बार फ्राई करके फिर मसाला डाल दूंगी, जो बेसिक मसाला होता है वही सारे, नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया और जीरा। और एक मसाला डालूंगी, वो है सांभर मसाला, जो ये मसाले में बहुत टेस्ट आता है खाने में। तो सांभर मसाला मैं दो चम्मच डाल देती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग सांभर बनाते होंगे तो सांभर मसाला सबके घर में ही लगभग रहता है। और आलू, जो आलू मैंने उबाल के रखी थी 6 आलू को, तो उसको मैश करके रखी थी, अभी वो आलू डाल दूँगी और मसाले में अच्छे से हाई फ्लेम में मिक्स कर लूँगी आलू को मसाले से एकदम। तो मेरा आलू चोखा फिर बन जाएगा, मसाला बन जाएगा डोसा के लिए। फुल फ्लेम में, हाई फ्लेम में अच्छे से आलू को मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी। तो मेरी मसाला हो गई तैयार डोसा की। अभी बनाऊँगी डोसा। तो तवे के मैंने थोड़ा हल्का हाथों में ब्रश कर लिया तेल, इसके ऊपर थोड़ा पानी छिटक दूँगी अभी और सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी पानी को। तवे को ऐसे ही, मतलब आप लोग गार्निश कर सकते हैं, क्योंकि तवा अगर सब किसी के पास तो नॉन स्टिक नहीं रहता है, तो नॉन स्टिक बनाने के तवा को ऐसे ही है। अभी डोसा बैटर मैं खरीद के लाई थी, तो उसको एक चम्मच दूंगी और पूरे अच्छे से गोल करके फैला दूंगी पूरे तवे के ऊपर, ताकि अच्छे से गोल होके एकदम पतला होके बन जाए। 1 मिनट बाद ये डोसा खुद ही एकदम जब बन जाएगा, दूसरी तरफ से पलटने के लायक हो जाएगा, तब समझ लीजिए कि बन गया है। और हल्के हाथों में थोड़ा ब्रश, ज़्यादा तेल नहीं लगता है डोसे में, बहुत ही हल्का तेल लगता है बस छिटकने के लायक, जैसे चारों तरफ तेल थोड़ा ब्रश में से छिटक दिया मैंने। और ये देखिए डोसा बन गया, अच्छे से उठ रहा है अभी चम्मच के ऊपर, अच्छे से उठ गया। तो ये मेरा हो गया तैयार। तो ये मैंने प्लेन डोसा बनाया और अभी मसाले डोसे बना के भी दिखाती हूँ। वैसे ही सेम प्रोसेस है, तवा के ऊपर थोड़ा तेल ब्रश करके, पानी छिटक के और फिर सूखे कपड़े से पोंछ लेना है। उसके बाद डोसा बैटर को डाल के अच्छे से फैला देना है पूरे जितने तवा में आप फैला सको, पतला करके। और जो अभी आलू का मसाला मैंने बनाया है, अभी वो डोसे के ऊपर डाल दूंगी। इसमें भी हल्का सा तेल छिटक दिया चारों तरफ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही ब्रश करके। और आलू का मसाला अभी अंदर डाल दूंगी अच्छे से, इस तरफ से उस तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी अंदर। और डोसा जब बन जाए पूरा, तो उसके ऊपर दोनों तरफ से भी पलट दूंगी, इस तरफ से और उस तरफ से आलू के ऊपर। तो देखिए मेरा डोसा हो गया, अच्छे से पक गया है। अभी आलू के ऊपर दोनों तरफ से पलट दिया और ये बन गया है मसाला डोसा। दिखने में देखिए कितना यम्मी लग रहा है। तो बस छोटा सा आज ब्लॉग, कुछ बनाया नहीं, बस रेसिपी शेयर किया आप लोगों से। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ रहिए और सपोर्ट कीजिए। तो ये मैंने डोसा परोस लिया और देखिए कितना यम्मी है आलू का सब्जी और मूँगफली की चटनी और डोसा। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सब लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।